प्रधानमंत्री मोदी आज वर्चुअली G20 लीडर समिट की अध्यक्षता करेंगे। पीएम मोदी वर्चुअली 9 अतिथि देशों 11 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। बीएसपी सांसद दानिश अली पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी तलब। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने बिधूड़ी को 7 दिसंबर को पेश होने के लिए नोटिस भेजा। दिल्ली के जंतर मंतर पर पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर विशाल प्रदर्शन। भारतीय मजदूर संघ ने ओपीएस बहाली करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में चुनावी रेवड़ियां बांटे जाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई। चुनाव के समय राजनीतिक दलों की लोक लुभावन घोषणाओं यानी फ्रीबीज पर रोक लगाने की मांग। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने संबंधी याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता जयराम ठाकुर ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 परिसीमन से पहले ही लागू करने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट में माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई। याचिका में अतीक अशरफ की हत्या की जांच कराने की मांग की गई है। गुजरात में साल 2002 से 2006 के बीच में पुलिस एनकाउंटर की जांच से जुड़ी याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में जावेद अख्तर और वीजी बर्गिज ने याचिका पर तमाम मुठभेड़ों की जांच कराने की मांग की। यूपी के सैफई में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती पर आज कार्यक्रम। सैफई में मुलायम सिंह यादव स्मारक का अखिलेश यादव करेंगे शिलान्यास। राजस्थान में पीएम मोदी का चुनाव प्रचार अभियान जारी है। आज डूंगरपुर भीलवाड़ा में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा। शाहपाली और जालौर नपचप की नड्डा दौसा दातारामगढ़ में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस की ओर से राहुल और प्रियंका गांधी ने संभाल रखा है प्रचार का मोर्चा। राहुल की धौलपुर भरतपुर गंगापुर सिटी में जनसभा। राजस्थान के बारा में मंगलवार को पीएम मोदी ने की चुनावी जनसभा। गहलोत सरकार पर वार, बोले लाल डायरी में लिखा है कितना घोटाला हुआ। पीएम मोदी ने करौली हिंसा की आड़ में कांग्रेस पर साधा निशाना। करौली हिंसा में व्यापार कारोबार हुआ चौपट। हिंसा करने वालों को मुख्यमंत्री गहलोत देते हैं दावत। राजस्थान के जयपुर में पीएम मोदी ने किया रोड शो। पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ी लोगों की भारी भीड़। राहुल गांधी ने उदयपुर से भरी हुंकार। कहा, देश में नफरत फैला रही बीजेपी। नफरत का कारण बेरोजगारी और महंगाई है। बीजेपी आरएसएस का लक्ष्य गरीबों को पैसे से दूर रखा जाए। मिशन 2024 में जुटी बीजेपी। यूपी के आजमगढ़ गोरखपुर वाराणसी मंडल स्तरीय बैठक। बीजेपी संगठन महासचिव धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। बिहार में आरक्षण बढ़ाने का कानून लागू। राज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी हुआ गैजेट। राज्य में सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में अब आरक्षित वर्ग को 65 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण। देश की कोचिंग सिटी कोटा में छात्रों की बढ़ती खुदकुशी की घटना पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। छात्रों की आत्महत्या के लिए कोचिंग नहीं, मां बाप की बेतहाशा उम्मीदों का दबाव वजह है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को लगाई कड़ी फटकार। एलोपैथिक दवाइयों को लेकर पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों को लेकर चेतावनी दी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का कोविड वैक्सीन को लेकर बड़ा खुलासा। युवाओं की अचानक मौत के लिए वैक्सीन जिम्मेदार नहीं। फैमिली, मेडिकल हिस्ट्री, लाइफस्टाइल, कोविड के दौरान अस्पताल में ज्यादा समय एडमिट रहना वजह। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी ने की पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी की तारीफ। राज्य में 20,000 करोड़ के अतिरिक्त निवेश की घोषणा के बीच ममता को बताया अग्निकन्या। मुंबई पुलिस ने गेटवे ऑफ इंडिया के पास समुद्र में कचरा फेंकने पर दर्ज किया केस। वैन से उतरकर कचरा फेंकने वाला शख्स कैमरे में कैद। प्रदूषण को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान। कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ये बताती है कि पंजाब सरकार ने पराली को लेकर जो कदम उठाए वो पर्याप्त नहीं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने मंत्रियों के विभाग में किया फेरबदल। कैबिनेट मंत्री मीत हेयर के विभाग में बदलाव। मीनिंग और वाटर रिसोर्सेज विभाग लिया। महाराष्ट्र के जालना में आरक्षण को लेकर धनगर समाज हुआ आक्रमक। कलेक्टर दफ्तर और परिसर में जमकर तोड़फोड़ की। राजस्थान के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। कांग्रेस ने जनता से किए कई वायदे।
मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत समेत कई नेता मौजूद रहे। सीएम गहलोत का बयान, कहा सरकार आने पर होगी जाति गणना, महिलाओं को मिलेंगे 10,000 रुपए प्रतिवर्ष। कांग्रेस ने 10 लाख रोजगार सृजित करना, 4 लाख नई सरकारी नौकरियां, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक जगहों पर सीसीटीवी लगाने का ऐलान किया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसानों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए। सीएम गहलोत ने कहा एमएसपी हेतु कानून बनेगा, 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी अध्यक्ष नड्डा का तंज, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कोई विश्वास नहीं करता, कांग्रेस के पास केवल भ्रष्टाचार, अत्याचार, किसानों के तिरस्कार और महिलाओं के उत्पीड़न की गारंटी है। कांग्रेस ने कहा मजदूरों के लिए मनरेगा में रोजगार की अवधि बढ़ाकर 150 दिन की कार्रवाई करवाई जाएगी और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में भी रोजगार की अवधि बढ़ाकर 150 दिन की जाएगी। घोषणा पत्र के ऐलान के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर तंज, कहा हमारी कई योजनाओं का विरोध और हमें गालियां देने के अलावा पीएम ने और कुछ नहीं किया। खड़गे ने कहा बीजेपी की सरकार झूठों की सरकार है, हर बात ऐसे ही बोलती है और जो हम नहीं कहते वो भी हमारे नाम से बताकर सिंपैथी लेती है। ऐसे बहुत से चीजें हैं जिन पर कांग्रेस के काम पर उन्होंने टीका करते ही रहे और वो खुद कुछ नहीं करे। हमको गालियां देने का छोड़ के दूसरा काम उन्होंने। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा मनरेगा योजना को मोदी सरकार खत्म करना चाहेगी, फूड सेफ्टी एक्ट हम लाए तो बड़ी आलोचना की लेकिन हमने करके दिखाया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर भिंड की अटेर में पुनर्मतदान हुआ, विधानसभा क्षेत्र 9, अटेर के मतदान केंद्र 71, किशनपुरा में मतदान केंद्र 3 पर मतदान हुआ। अटेर में मंगलवार को 1223 मतदाता दोबारा मतदान करते नजर आए, गोपनीयता भंग होने के संभावित कारण की वजह से यहां पर पुनर्मतदान कराया गया। चुनाव आयोग के आदेश पर इस मामले में पोलिंग पार्टी के 4 सदस्यों को निलंबित किया गया। 21 दिन की पैरोल पर 9वीं बार जेल से बाहर आएगा राम रहीम, श्रीगंगानगर के गुरुसर मोडिया में है राम रहीम का घर, 4 दिन की फरलो पर बाहर आएगा राम रहीम। उत्तर प्रदेश के वर्णावा आश्रम में रहेगा राम रहीम, राजस्थान चुनाव से एन पहले राम रहीम की पैरोल पर सवाल उठे। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल का एक्शन, कश्मीरी गेट फ्लाईओवर पर खालिस्तानी स्लोगन लिखने वाले मामले में एक शख्स को हरियाणा से गिरफ्तार किया। हरियाणा और पंजाब में कई जगह रेड करने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी की गई। मधुबनी में मधेपुरा डीएम विजय प्रकाश मीणा की गाड़ी से दर्दनाक हादसा हुआ है, 3 लोगों की मौत हुई है, एक शख्स की हालत गंभीर। मराठा आरक्षण को लेकर माहौल गरमाया, एकनाथ शिंदे के गढ़ थाने में मराठा आरक्षण को लेकर जुड़ांगे पाटिल की सभा। जुड़ांगे ने न्यूज 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा आरक्षण की मांग कर रहे आंदोलनकारियों से मैंने शांति बनाए रखने की अपील की लेकिन सरकार शांति से नहीं करने दे रही, मराठा आरक्षण लेकर रहे। हम आरक्षण मिलकर रहेंगे लेकिन याद रखना सरकार ने कि हम शांति का आह्वान करते हैं, आपकी बाजू हम आपकी बाजू सामने समाज को बोल रहे कि शांति रखो, वो तो आपका काम है लेकिन हम कर रहे हैं, आप तुम शांति से नहीं करने देते। अरे यार ऐसा कैसा सरकार हो सकता है। दिल्ली एनसीआर की एयर क्वालिटी में बड़ा सुधार नहीं, एयर क्वालिटी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर में स्मॉग बढ़ा रहा मुश्किलें, अक्षरधाम मंदिर के आसपास दिखा घना स्मॉग, विजिबिलिटी घटी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में एयर क्वालिटी बेहद खराब, दिल्ली के गाजीपुर में धुंधला नजर आया इलाका। मुंबई के कालानगर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रदूषण का जायजा लिया, सीएम शिंदे ने कहा जरूरत पड़ी तो हम क्लाउड सीडिंग भी करेंगे। मुंबई प्रदूषण कम करने के लिए सीएम शिंदे ने सड़कों की सफाई की, सड़क के मलबों को निकाले जाने, पानी से सड़कें साफ करने के निर्देश दिए।
लखनऊ के कैनरा बैंक में भीषण आग से हड़कंप मचा, कर्मचारी ने कूदकर अपनी जान बचाई, भीषण आग से बैंक में मचा कोहराम। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां, कई कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। हजरतगंज थाना क्षेत्र के नोवल्टी सिनेमा के पीछे है कैनरा बैंक। तेलंगाना के रंगारेड्डी में निर्माणाधीन स्टेडियम की छत गिरी, हादसे में दो लोगों की मौत, कई घायल। यूपी के लखनऊ से दुखद घटना सामने आई, लखनऊ में तैनात रही एडिशनल एसपी श्वेता श्रीवास्तव के बेटे की सड़क हादसे में मौत। स्केटिंग करते हुए सफेद रंग की कार ने मासूम बच्चे को रौंदा, दो आरोपियों सार्थक सिंह देवश्री वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। G20 रोड पर सुबह एसयूवी से रेस लगा रहे थे आरोपी, सीसीटीवी फुटेज से एसयूवी और आरोपियों की पहचान हुई। यूपीएटीएस को मिली बड़ी कामयाबी, आईएसआई के लिए भारतीय सेना की जासूसी करने के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। जम्मू के गंग्याल इलाके में डिपार्टमेंटल स्टोर में लगी भीषण आग, डिपार्टमेंटल स्टोर जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, हालांकि घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया, यूनानी आयुर्वेदिक उपचार पद्धति के नाम पर फर्जी डॉक्टर बताकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह के चार लोग गिरफ्तार। दिल्ली के वजीरपुर जेजे कॉलोनी से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, एक पिता ने अपने दो बच्चों पर जानलेवा हमला किया जिसके बाद खुद को भी घायल किया, घटना में दो साल के बच्चे की मौत। दिल्ली के वजीरपुर में दिल दहला देने वाला मामला, एक शख्स ने अपने बच्चों पर जानलेवा हमला किया। अस्पताल में इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत, जबकि पिता और दूसरा बेटा मौत जिंदगी और मौत के बीच। सीतामढ़ी के बाद अब गोपालगंज में पांच लोगों की संदिग्ध मौत से हड़कंप, जहरीली शराब से मौत की बात को प्रशासन ने खारिज किया। पांच लोगों की संदिग्ध मौत पर एसडीएम ने कहा मामले की जांच चल रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वजह सामने आएगी। बाड़मेर में दर्दनाक हादसा, चाइनीज मांझे से गर्दन कट जाने की वजह से मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत। येलो गेट पुलिस ने मुंबई में सेवरी जेटी के पास अरब सागर के रास्ते एक नाव बरामद की, नाव में डीजल की तस्करी की कोशिश की जा रही थी। डीजल की तस्करी करते हुए छह नाविकों को गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने 18 लाख रुपए का डीजल बरामद किया। उत्तर भारत में मौसम में ठंडक बढ़ी, कई राज्यों में घने कोहरे ने दस्तक दी, घने कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार बेहद कम। श्रीनगर में घने कोहरे ने दस्तक दी, घना कोहरा छाए जाने की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम।